यहाँ का जो हेलीपैड है वो लगभग पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है, जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे फिलहाल। तो दोस्तों इस साइड आप देख पा रहे होंगे जो कि बड़े बड़े जनरेटर भी आ चुके हैं, और इस साइड देखिए इलेक्ट्रिक का जो कार्य है वो काफ़ी तेज़ी गति से इस समय चल रहा है, जैसा कि आप सामने वाले एरिया में आ चुका हूँ पंडाल के। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में, और अभी मैं मौजूद हूँ अपने वाराणसी के रिंग रोड फेज 2 के पास। यानी कि यह दिखाया तो अभी मैं जहाँ पर मौजूद हूँ ये है आपका गंजारी गांव। जैसा कि आप जानते होंगे कि 23 सितंबर को हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी गंजारी गांव में आ रहे हैं, जहाँ पर बन रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, उसी का शिलान्यास करने के लिए। तो जैसा कि मैं हमेशा आपको मैं पर डे आपको अपडेट दे रहा हूँ, तो आज मैं फिर से आपको अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का अपडेट देने वाला हूं, और कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए आपको बैक कैमरे से आपको दिखाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये देख पा रहे होंगे ये है रिंग रोड फेज 2, यानी कि सीधे आप पहुंच जाएंगे राजा तालाब के लिए। अगर वही बात किया जाए, यह जो रास्ता है ये सीधे चला जाएगा आपका हरंगा होते हुए बाबतपुर एयरपोर्ट के लिए और गाजीपुर के लिए भी। और यहाँ पर देखिए एक है बस स्टैंड गंजारी गाँव में स्थित, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो यानी कि बस स्टैंड से ही कुछ ही मीटर की दूरी पर है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, और वहां पर दिखाया है तो मोदी जी का जनसभा 23 सितंबर को होने वाला है, और उसका शिलान्यास भी करेंगे, और काफ़ी ज़ोर शोर से इस समय जो है वहां पर पंडाल बनाया जा रहा है। तो चलिए वहां से अब आपको दृश्य दिखाते हैं। तो दोस्तों ये देख पा रहे होंगे जो कि ये देख रहे हैं पंडाल लगभग बनकर तैयार हो चुका है, यानी कि जो नीचे का जो कार्य है यानी कि जमीन का जो कार्य है वो काफ़ी तेज़ी गति से इस समय JCB के माध्यम से चल रहा है। तो चलिए आपको नज़दीक से आपको दिखाते हैं, और कोशिश कीजिएगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और दोस्तों आपको बता दें कि इस ग्राउंड में फ़िलहाल अभी दिखा है तो जो L&T कंपनी के जो कर्मचारी थे वो फ़िलहाल ना के बराबर आपको नज़र आएंगे, और ज़्यादातर आपको नगर निगम के सफाई कर्मी, जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे सफाई अभियान भी चल रहा है इस समय। और ये जो पंडाल जो लगाया जा रहा है ये उसी कंपनी के लोग यहाँ पर फ़िलहाल अभी मौजूद हैं, और कुछ यहाँ पर अधिकारी भी देख रेख कर रहे हैं। तो चलिए इस साइड से हम लोग चलते हैं, तो उसके बाद थोड़ा सा सीन आपको पीछे से भी दिखाऊंगा। यहाँ पर देखिए ये देख रहे हैं बल्ली लगा के इसे पूरा घेर दिया गया है, और आगे बढ़ने के बाद इस साइड देख पा रहे होंगे जो कि एक बोर्ड भी लगा हुआ है, ये देख रहे हैं लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड वाराणसी क्रिकेट स्टेडियम प्रोजेक्ट गंजारी। फिलहाल ये देख पा रहे होंगे दृश्य कुछ इस प्रकार है, जैसा कि मैं बात कर रहा था कि यानी कि नीचे जो ज़मीन का जो कार्य हो रहा है ये इसलिए हो रहा है कि हो सकता है कि आजकल में बारिश हो जाए तो पूरा ये जो देख रहे हैं पूरा जो एरिया है पूरा कीचड़ वाला हो जाएगा, जैसा कि आप देख रहे होंगे इस साइड देख रहे हैं पूरा कीचड़ है। तो इसी को देखते हुए इस ज़मीन पर जो है यानी कि आप देख पा रहे होंगे ये देख रहे हैं पूरा ईंट जो है इसे पूरा बिछाने का कार्य चल रहा है काफ़ी ज़ोर शोर से इस समय। ये देख रहे हैं फिलहाल मैं पंडाल के अंदर आ चुका हूं, और दोस्तों आपको बता दूं कि लगभग देखा है तो इस एरिया में लगभग 3 पंडाल बनाए गए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे एक ये पंडाल है और एक आगे है उस साइड और उसके आगे है। चलिए आगे से भी आपको लेकर चलते हैं दिखाते हैं। और फिलहाल देखिए जिस जहाँ पर मैं अभी मौजूद हूँ यहाँ पर कई सारे पेड़ भी मौजूद था जो कि इसे काट कर हटाया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ये देख रहे हैं फिलहाल देखा है तो ज़मीन को समतल किया जा रहा है, और जो गंगा बालू होता है सफ़ेद बालू उसे ज़मीन पर बिछाने के बाद जो है उसके बाद ईंट को बिछाया जा रहा है।
तो चलिए इस साइड से हम लोग बढ़ते हैं आगे और जहाँ पर हेलीपैड बन रहा है वहाँ से भी आपको दृश्य दिखाते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पर देखिए तीन पंडाल बनाया जा रहा है, यानी कि एक उस साइड वो लगभग देखा है तो बनकर तैयार हो चुका है और उसी प्रकार देखिए इस साइड भी लगभग जो है वो बनकर तैयार हो चुका है और इस साइड आप देख पा रहे होंगे जो कि अभी ये देख रहे हैं कार्य जारी है और फिलहाल देखा है तो काफ़ी ज़ोर शोर से इस समय जो ज़मीन जो है उसे पूरा समतल किया जा रहा है और उसके बाद सफ़ेद बालू डालने के बाद ईंट को बिछाया जा रहा है कि यानी कि बरसात के समय में कोई दिक्कत ना आ सके, यानी कि बारिश होने के बाद भी जो है जो ज़मीन है वो पूरा कीचड़ वाला ना हो सके, इसलिए ज़मीन पर बालू और ईंट को बिछाया जा रहा है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो कि पानी का टैंकर भी आया हुआ है पानी पीने के लिए, हाथ धोने के लिए, पैर धोने के लिए मजदूर भाइयों के लिए। और दोस्तों आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो कि इस ग्राउंड में है एक रोड को भी बनाया गया है, ये देख रहे हैं सफ़ेद बालू और ईंट को बिछा कर ये देख रहे हैं जनसभा तक जाने के लिए यानी कि पंडाल तक। तो चलिए लेकर चलते हैं आगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। फिलहाल दोस्तों आप देख पा रहे होंगे जो कि हेलीपैड का जो कार है वो भी काफ़ी तेजी गति से इस समय चल रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये देख रहे हैं इस एरिया में देखा है तो तीन हेलीपैड बनाया जा रहा है, जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे एक इस साइड है और एक जो है ये दाहिने साइड जो कि बनकर तैयार हो चुका है। चलिए आपको नज़दीक से दिखाते हैं। ये दोस्तों देख रहे हैं यहाँ का जो हेलीपैड है वो लगभग पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है, जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे फिलहाल जो है घेराबंदी इस समय किया जा रहा है बल्ली लगाकर, जैसा कि आप सामने देख ये देख रहे हैं। तो दोस्तों इस साइड आप देख पा रहे होंगे जो कि बड़े बड़े जनरेटर भी आ चुके हैं और इस साइड देखिए इलेक्ट्रिक का जो कार है वो काफ़ी तेज़ी गति से इस समय चल रहा है, जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे बड़े बड़े फर्राटे भी आ चुके हैं, ये देख रहे हैं दृश्य कुछ इस प्रकार है। तो दोस्तों फिलहाल मैं उस साइड से यानी कि हेलीपैड साइड से मैं आ चुका हूँ पीछे साइड में, ये देख रहे हैं ये जो रास्ता है ये सीधे चला जाएगा गंगापुर के लिए यानी कि इस साइड से, ये देख रहे हैं ये इस साइड देख रहे होंगे जो कि पीछे भी पंडाल बनाया जा रहा है काफ़ी ज़ोर शोर से इसमें कार्य लगा हुआ है और इस साइड देखिए ज़मीन जो है समतल किया गया है, ये देख रहे हैं इस साइड किरान है। और यहाँ पर देखिए एक टेम्परेरी रास्ता बनाया गया है क्योंकि ये देखा है तो पूरा कच्चा रास्ता है, इसीलिए यहाँ पर जो कि लोहे का चादर बिछाया गया है कि यानी कि जो भारी वाहन है वो धंसे ना, ये देख रहे हैं मैं पीछे वाले एरिया में आ चुका हूँ पंडाल के। और इस साइड देखिए है मंच। ये देख रहे हैं जेसीबी के माध्यम से काफ़ी ज़ोर शोर से समय कार्य अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का यानी कि मोदी जी का जो है जनसभा का तैयारी काफ़ी ज़ोर शोर से चल रहा है और हेलीपैड बनाया जा रहा है। ये देख रहे हैं अगर इस समय देखेंगे तो इसमें वीआईपी मूवमेंट भी आपको नज़र आएगा क्योंकि जनसभा का भी जायजा लिया जा रहा है, ये देख रहे हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और जो दोस्त मेरे चैनल बनारसी यूट्यूबर पर नए हैं उन्होंने मेरा चैनल बनारसी यूट्यूबर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि मेरे आने वाले हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और ऐसे ही मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और हर हर महादेव।